चाचा ने चुन्नू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चमचे से चटनी चटाई। हाँ, चंदू के चचा ने चंदू की चचे को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी की चांदनी रात कहाँ से आ गई? चांदनी रात कहाँ से? चांदनी रात नहीं है। हाँ जी, आता है मुझे सारा आता है, सुबह नहीं आता है मुझे। बात सुनो, चंदू की चचा ने चंदू की चची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। यस, बस मैंने कहा था मुझे आता है, मुझे बचपन से ही आता है। हम लोग बहन भाई हम यही खेलते आ रहे थे, चंदू की चचा ने चंदू की चची को फराना फराना कर करके इतने बड़े हुए हैं। असल में वहाँ पे हीट ऑफ द मोमेंट था, स्टेडियम जैसा माहौल था, हर तरफ से शोर आ रहा था, अपनी आवाज़ वापस नहीं आ रही थी, तो ये ऐसा हो गया। और आगे से आमिर जाकर साहब बोले, चांदनी रात कहाँ से आ गई? चांदनी रात कहाँ से? मैं ये बोलने ही वाला था कि भाईजान मेरा मुंह बंद कर गई, मेरी जबान टूट गई। चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अकील ऑनलाइन से अकील हाजिर हूं आपके सामने। भाईजान ये वाकया है मार्च 2014 का, जब मैं गया था इनाम घर में, गया था मैं, कैसे मेरी एंट्री हुई थी, कैसे मैं गया था, उसी के मुतालिक ये वीडियो है। मैं कैसे गया था, कुरानदाजी होती थी उनके शो में, उन दिनों में ऐड चलती थी मामा तलो में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ के नाम से, कि आपको तलो कुकिंग ऑयल या उनके घी के डब्बे का ऊपर का ढक्कन या उसका जो साशे है उसको आपने पैक करके पीओ बॉक्स नंबर फलाने फलाने पे भेजना है अपने आईडी कार्ड की कॉपी के साथ। अगर तो आप लकी विनर में शामिल होते हैं तब आपको एक रिटर्न टिकट दी जाती है, वहाँ पे स्टे दिया जाता है, शो में शिरकत करवाई जाती है, आमिर लियाकत से मुलाकात करवाई जाती है, तमाम चीज़ें आपको ऐड में बताई जाती थी। तो मैंने भी इसको अप्लाई किया। मैं घर में वैसे हम लोग डालडा यूज़ करते थे, उस दिन मैं लेके आ गया तलो। मैंने कहा मामा तलो में पकाओ, मामा तलो में पकाई, गले तो हमारे बंद हो गए और घर वाले मुझे बातें सुनाना शुरू हो गए। मेरे भाई कहते तू टकन जाएगा, तू टकन जाएगा, मतलब कराची तू टकन जाएगा। फिर क्या हुआ, तो एक दफ़ा जुमरात के दिन मुझे याद है मुझे कॉल आई, तकरीबन दिन के टाइम 11-12 बजे वेले ही था घर पे, कॉल आई मुझे, बोले जी आप अकील नादिर साहब बात कर रहे हैं? मैंने कहा जी बात कर रहा हूँ, आपने ऐसे ऐसे अप्लाई किया था? मैंने कहा जी बिल्कुल किया था। मुबारक हो, आपका नाम निकला कुरानदाजी में, आप आ रहे हैं इनाम घर में कराची। मैंने कहा रियली? कहते हाँ। मैंने कहा ठीक है, बस उस कॉल का आना था। मैंने घर पे बता दिया, दोस्तों को बता दिया कि भाई तो तुम्हारा जा रहा है, भाई इनाम घर में जा रहा है, जियो पे जा रहा है, कराची जा रहा है, बाई एयर जा रहा है, भैंस की दुम बाई एयर। कभी मैंने बस की छत पे सफर नहीं किया, बाई एयर जा रहा है जहाज में। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। मेरी फ्लाइट थी सैटरडे के दिन 3 बजे की, जबकि शो ऑन एयर होना था 8 बजे उसी रात को। तो मैं ये सोच रहा था कि मेरा शो क्या, मुझे जहाज में बिठा के खाली टीवी पे शो दिखाएंगे और बोलेंगे टाटा बाय बाय, तो ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, यहाँ से तो मैं पहुँचा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, वहाँ से मैंने फ्लाइट ली कराची की, 3 बजे की फ्लाइट थी। जब मैं एयरपोर्ट से एग्जिट कर रहा था तो वहाँ पे अकील नादिर के नाम से एक ऐसे बैनर पकड़ा हुआ था उनके किसी एम्प्लॉई ने, उस वक्त पे इतना हीरो हीरो फील हो रहा था वहाँ पे, मैं नाइक फिल्म का अनिल कपूर लग रहा था अपने आप को कि मैं एक दिन का CM बन गया हूँ। प्रोटोकॉल के साथ XLII मुझे लिया और पहुँच गया रिजेंट प्लाजा में, उस बिल्डिंग में जो 7-स्टार होटल है कराची में, उसी बिल्डिंग में उसी के ग्राउंड फ्लोर पे ये शो होता था, इनाम घर वहीं पे मुनाकिद होता था। हमको बुलाया गया, पासिस दिए गए, हमें बड़ी खातिर तवाजा की गई, हमारे शूज़ तक पॉलिश किए गए, इतना प्रोटोकॉल, इतनी इज्जत भैंस की तुम घर वालों ने कभी नहीं दी। शो में गए, शो स्टार्ट हो गया, वहाँ पे गया ये सवाल वाले, चंदू के चचे ने चंदू की चची को क्या चम्मच से चटाया था? मैंने बताया, मैंने कुछ ज़्यादा ही बता दिया। आमिर भाई आगे से बोल पड़े, चांदनी रात कहाँ से आ गई? तो आमिर भाई चांदनी रात चांदनी में ही आएगी ना, कहाँ से आएगी? खैर ऐसा हुआ, वहाँ से मैं कुछ विन नहीं किया। तो मेरा बायर आना जाना, वहाँ पे एक रात का स्टे, डिनर, आमिर भाई से मुलाकात, ये तमाम प्रोटोकॉल फ्री ऑफ कॉस्ट था उनकी तरफ से ही था। तकरीबन मैंने उस दिन कैलकुलेट किया था 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा था, 27,200 की तो सिर्फ टिकट थी, 27,200 रुपया मेरे मेरा लगा क्या 60 रुपये यहाँ से पिंडी जाने के, 60 रुपये पिंडी से वापस आने के। अच्छा, 9 बजे शो खत्म हुआ है, डिनर करते करते 11 बज गए थे, रूम में पहुँचते पहुँचते 1-1.5 बज गया था और 5 बजे की वापसी की फ़्लाइट थी। वहाँ से मैं तकरीबन 7:30 बजे रावलपिंडी में एयरपोर्ट चौक में मौजूद था, वहाँ पे बस का इंतजार कर रहा था कब मुझे बिठाई वो गुजहान ले जाएगी। मैं यहाँ पे पहुँचा, मैं सब्ज़ी मंडी गया सीधा, मुझे पता था घर पे सब्ज़ी आई नहीं होगी, कोई इतनी सुबह उठता नहीं है। मैं गया वहाँ से, मैंने आलू गोभी लिए, टमाटर प्याज लिया, घर पे पहुँच गया। रास्ते में चलते मुझे अभी भी वो बाबा याद है जो मुझे कहता हूँ तेरे वर्गा मुंडा देखा दे रहा इसी शो बचा मर गया कदम शो गया, तू तो नहीं से मैं नहीं, मैं तो मदर बोर्ड हूँ जो मैं इसमें आया। तो बस कुछ लोग हैं जिनको यकीन है, कुछ लोग हैं जिनको यकीन नहीं है, कुछ लोग अभी भी ये समझते हैं वो मेरे जैसा था, मुझसे पूछते, मैंने कहा हाँ मैंने भी देखा है मेरे जैसा ही था। वो मेरी ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस था, मेरा पहला हवाई सफ़र था, बड़ा एक्साइटेड था, बड़ा मज़ा आया, मेरा दिल था आपसे शेयर करूँ। मैंने चैनल बनाया है, कुछ ऑडियंस कनेक्ट हो रही है, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरी बात सुनते हैं, मुझे मज़ा आता है आपसे अपनी फीलिंग, अपनी जो स्टोरी होती है शेयर करने का। मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल आपने रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।